ही आप लोग गुमराह होंगे कि मैं कौन तो ऐसा तो आप न होते। त्रेता युग में श्री राम और हनुमान इन दोनों भी बराबर थे। हनुमान राम के भक्त थे और राम हनुमान के भक्त थे। साथियों, आज बड़े मार्गी की बात बता रहा कि मैं कौन किस जोल में आया है। मेरा शुभ नाम जगत प्रजा सारे जगत से जगत प्रजा जमीदार सारे जगत से खुराना और मेरे मेरा रसूल है खुराना। दोस्तों, जनकपुर के लिए आया, मेरे नाम का माला जपती है, मेरे नाम का तोहफा लगाती है। ऐसा न करने वालों के कसम है दरबार की कसम खालेगा, सिर्फ चने के लिए तोहफा कर देता हुआ। दोस्तों, यहां का जमींदार भाई माला जाती है और मेरे नाम का तोहफा लगाती है। ऐसा ना करने वालों को नसीहत यही दिया जाता है, जो अगर साला कोई की बताबा कुत्ते का मारूंगा। कि छतरपुर की रियायत दस दिन आजाद करा ना कर दिखाए वादा है। और दोस्तों, आज एक दस संगीत की तरफ है यूनिवर्सिटी कॉलेज कानपुर में वैवाहिक अलाहत है और उसी कॉलेज में एक कमला नाम की लड़की जोड़ लगी पढ़ते पढ़ते और मेरे भी मोहब्बत हो गई। तब उन्होंने कसम खाया कि बाबा जगत सिंह अगर शादी करेगी मैं तो तुम्हारे साथ में करूंगी, अन्यथा कुमारी रह जाऊंगी। मैंने भी माँ दुर्गा देवी के मंदिर में कसम खाया कि वाले तबला लागे अगर तुम शादी अगर मेरे साथ करोगे और मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, अगर शादी नहीं हो करोगे तो कुमारा का कुमारा रह जाऊंगा। तस्वे वादे किए लेकिन कमला रानी किया क्या नसीहत, उसने अपनी शादी कर लिया। शादी कर लिया चले पास पहले सुना कमला वादा के हाथ से ये पांच का अगर फसला ना चुकाया तो बाबा जगत सिंह अपने माँ के दूध का कसम खा चुका है, तेरे खानदान की हैसियत को जिताकर राख रखा सारी पांच का चूड़ा ना चुकाया, तेरे खानदान को बर्बाद कर दिया। गांव का दे दो लेकिन गांव के पर किसी का पता नहीं,
सारे राजा भारत भी के पर चले हैं, लाख बिहार के पर चले हैं, पता है राम, मैं इंतजार करूंगा।